मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। आज इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मंगोरे तले और आम लोगों और सब्जी विक्रेताओं को खिलाए। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने इलाके में इंटर मैदान में स्थित सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी कारोबारियों का हालचाल जाना। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक मंगोरे के ठेले पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंगोरे तल रही एक बुजुर्ग महिला से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने बुजुर्ग महिला की मंगोरे तलने में मदद की और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मंगोरे तले और उसके बाद लोगों को खिलाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, मैं अपनों के बीच आया हूँ और यह मेरा परिवार है। उन्होंने एक एक रुपये देकर मुझे चुना है। बता दें, पिछले 15 दिनों से हजीरा सब्जी मंडी कारोबारी इंटक मैदान में बनाई गई नई मंडी में विस्थापन के लिए तैयार नहीं है। सब्जी कारोबारियों का मानना है यह नई व्यवस्था अस्थाई है, इसलिए उन्हें पुरानी मंडी में ही व्यापार करने दिया जाए। इसी को लेकर सब्जी कारोबारी सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिल चुके हैं। यही वजह है कि अब मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सब्जी कारोबारियों को मनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी विधानसभा की सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां सब्जी कारोबारियों का हालचाल जाना। मैं अपने लोगों के बीच आया हूं, ये मेरा परिवार है। इन लोगों ने मुझे एक एक रुपए दे के चुना। इन लोगों का रोजगार के अवसर बढ़े, सम्मान के साथ ठेला लगा सकें और लोग सम्मान के साथ यहाँ आ सकें। आज सब लोग यहाँ पे, आप लोग साक्षी हो, कैसे मंगोड़े की दुकान पे इन लोगों ने एक साथ खड़े होकर मंगोड़े खा सके। अगर ये हजीरा मंडी होती तो वहाँ पे ऐसे लोग खड़े हो सकते थे क्या? तो ये इस बात की द्योतक है कि ग्वालियर की सब्जी मंडी बहुत अच्छी है।